ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनना है, सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक का। और ये खड्डा कॉलोनी जयपुर के अंदर हम लोग हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को साइनबाग जाना पड़ता है या मोड़वन स्कूल है वहाँ जाना पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता है। पूरा रिस्क बना रहता है। गर्ल्स जो हमारी बहन बेटियां हैं, इनको बड़ा सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, कई शिकायतें हुई हैं, लेकिन अब तो माहौल सही है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। फरवरी 2007 और जुलाई 2008 में इसका नोटिफिकेशन आया था। DDA के द्वारा दिल्ली को 15 जोनों में डिवाइड किया गया था, ABCD करके, EFGH करके, और ओजोन बनाया गया था जो भूमि जमुना के किनारे होती है। हमारे क्षेत्र में कोई भी इंसान मकान बनाता है, मकान की रिपेयर करता है, तो उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। जिसका भी कहीं भी मकान बन रहा होगा वहां पर फौरन MCD आ जाती है और उनसे पैसे की डिमांड रखती है। वो लोग अगर उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं डिमांड पूरी करते हैं, कोई भी गरीब आदमी है नहीं कर पाता है, तो उसके मकान को फौरन तोड़ देते हैं। और गवर्नमेंट का जो है 300 मीटर का रिवर का है, 300 मीटर के अंदर जो कॉलोनी आ गई वो ओजोन में है, ये तो बहुत दूर है। बारिश में यहाँ पे ये होती है कि ये सड़कें और ये जो नाला है और गंदा हो जाता है, मतलब चंदा दुभर हो जाता है और स्मेल घरों तक जाती है। लोगों के दिमाग में जो भी बाहरी लोग आते हैं, यहाँ पे ज़मीनों की वैल्यू भी थोड़ी कम है, ओजोन की वजह से लोगों के दिमाग में एक डर बना रहता है। अगर उन्हें एक बिल्डिंग बनानी है, छोटा सा मकान बनाने के लिए वो किस किस तरह से पैसों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हों को दूसरों के मुंह भरने पड़ते हैं पैसा देके, तो मकान बनते हैं। अगर गरीब इंसान है तो वो बना नहीं सकता, लेकिन जो बिल्डर्स हैं, जो पैसा दे सकता है, उनके मकान बन सकते हैं, उनके लिए कोई ओजोन नहीं है, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए ओजोन है। मैं देख रही हूँ सबके घर ये नीचे गए हुए हैं, आगे कुछ आप लोगों ने पत्थर लगाया हुआ है। हाँ, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ नाली भर जाते, पहले तो नाली यहाँ पे थी नहीं, मतलब छोटी सी थी, उसके बाद ये रास्ता वगैरह ऊंचा करवाया तो नाली नीचे पड़ गई, सारे मकान में नीचे पड़ गया। इससे दिक्कत है, नाली भर जाती है, बारिश पड़ती है, बरसात होती है तो घर में पानी आ जाता है। तो बारिश में कैसे आप लोग करते हैं? बस ऐसे ही रहते हैं मैडम, जब थोड़ा घना पानी भर जाता है उली से देते हैं, फिर अपना सफाई कर लेते हैं। पानी देखो, पानी बिल्कुल नहीं है, मोल का पी रहे हैं, 15-15 की कैन ले रही हूँ। बिल्कुल असर पड़ेगा, जैसा कि मोदी जी ने अभी डाला है, तो BJP से ये सब चीजें मैं ज्यादा उम्मीद करता हूँ। वोट किसको डालने का सोच रहे हैं? आम आदमी के तरह डालेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारी तो मर्जी है। जो भी इसको पूर्ण रूप से खत्म करने में मदद करेगा, हम सब लोग उनका साथ देंगे। नहीं तो हमारे क्षेत्रवासी, इसमें हमने देखा था पहले भी, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो लोग नोएडा की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं।